हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विष्णु बिहानी और आज हम लोग देखने जा रहे हैं एनएलएम। एनएलएम मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स को। फोर्स क्या होता है? फोर्स बेसिकली एक्सटर्नल एजेंट होता है जो पुल या पुश के काम आता है। तो फोर्स हमारे पास क्या हो गया? पुल और पुश। बेसिकली क्या काम हो गया? या तो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी या उसका डायरेक्शन को चेंज करने के काम आता है, और या फिर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसको मूव कराने के काम आता है। तो ये हमारे पास फोर्स होता है। फोर्स का यूनिट जो होता है बच्चों, यूनिट होता है हमारे पास में न्यूटन, और ये हमारे पास में हो गया SI यूनिट। और जबकि डायन जो होती है, डायन है ना, ये हमारे पास इसका होता है CGS यूनिट। और 1 N 10⁵ डाइनो के बराबर होता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद में एक और यूनिट से हम लोग इसको देखते हैं, दैट इज 1 किलोग्राम वेट। 1 किलोग्राम वेट और कुछ नहीं बट 9.8 N होता है। क्लियर है बच्चों? बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन। फोर्सेस हमारे पास दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। इंट्रैक्शन के बेसिस पर दो कैटेगरी में हमारे पास फोर्सेस डिवाइडेड है। पहला है हमारे पास में कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा है हमारे पास में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इंट्रैक्शन के बेसिस पर हमारे पास दो वेराइटी में डिवाइडेड है, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं। प्लीज़, इसका संबंध इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से बिल्कुल नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं इसका नाम है। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बेसिकली हमारे पास में फील्ड फोर्स होता है बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारे पास में एक तरीके से जैसे हमारे पास हो गया टेंशन है ना, फ्रिक्शन, और हमारे पास में हो गया नॉर्मल रिएक्शन। ये सब हमारे पास में बच्चों कॉन्टैक्ट फोर्स है, जहाँ पे जरा जरा टच भी होना ज़रूरी है। यहाँ पे टच की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे फील की ज़रूरत है, हमें फील चाहिए। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ठीक है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा का ऐसा, न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारे फोर्सेस बच्चों किस तरीके के हैं? फील्ड फोर्स है, यानी कि एक पार्टिकल के होने से दूसरे पार्टिकल फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर है? अब बच्चों ध्यान से सुनना, ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ के जो भी फोर्सेस हम लोग फील कर सकते हैं वो सारे के सारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। जैसे टेंशन, फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, ये सब हम लोग फील कर सकते हैं। मैंने बोला ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ के जो हम लोग फील कर सकते हैं। अब न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग फील नहीं कर सकते, तो जो फील हम लोग कर सकते हैं उसके अलावा, इसके अलावा जो भी फोर्सेज है वो सारे के सारे कॉन्टैक्ट फोर्सेज होते हैं बच्चों, ठीक है, नोट करो इसको। बात करते हैं बच्चों हम लोग अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ की, है ना। तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग इनर्शिया भी बोलते हैं। इनर्शिया से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। इनर्शिया और कुछ नहीं, बस मास के टर्म्स में बात करते हैं, है ना। तो इनर्शिया बेसिकली हमारे पास क्या हो गया? मास। और हम कहेंगे किसी बॉडी का जितना ज़्यादा इनर्शिया है उतना ज़्यादा हमें फोर्स लगेगा उसको मूव कराने में, और जितना कम इनर्शिया है उतना इजीली हम लोग मूव करा सकते हैं। इसमें कुछ छोटी छोटी बातें आती हैं, जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है बच्चों, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है बच्चों, जरा समझना, इसका एग्जांपल देता हूँ मैं। जो बॉडी रेस्ट पे रहना है वो हमेशा रेस्ट पे रहना चाहेगी अंटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। तो जैसे एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल है, अगर मान लो हमारे पास में आम का पेड़ है जो कि एकदम ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे हवा नहीं चल रही है, अगर आप उसके ब्रांच पे हिट करते हो बच्चों तो आम नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि आम जो है वो रेस्ट पे रहना चाहता है और उसकी जो ऊपर की टहनी है वो जस्ट उस हम लोगों ने ब्रांच पे मारा तो उसका टहनी क्या होगा, हिल जाएगा। जैसे शेक किया, ये रेस्ट पे रहना चाहता है तो ये नीचे गिर जाएगा। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ऐसा का ऐसा, अगर हम कहें बचपन में एक गेम खेला होगा आपने, एक ग्लास के अंदर एक कार्ड उसके ऊपर रख करके और उसके ऊपर एक कॉइन रख दिया,
और उस कार्ड को अगर जैसे ही आपने इस तरीके से मारा, कॉइन अंदर चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो कॉइन वहां पे रेस्ट पे रहना चाहता है, चूंकि उसके नीचे से सरफेस हिल जाती है या चली जाती है तो वो कॉइन नीचे टपक जाता है। ऐसा का ऐसा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल एक और, जैसे हम लोग एक बस में बैठे हैं और वो बस अचानक से चल जाती है, तो जब बस चलने लग जाती है तो हमारा लोअर पार्ट बस के साथ कनेक्टेड होता था, वो तो चलने लग गया, लेकिन बॉडी का ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको अभी तक पता नहीं चला कि बस चल गई, तो हम लोग फॉल बैक हो जाते हैं। क्लियर? दिस ऑल आर द डायरेक्शन ऑफ क्या एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बच्चों एक अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे मानो आपके पास में ये सीलिंग है, सीलिंग से एक रस्सी लटक रही है और इसके नीचे एक बहुत हैवी ब्लॉक है, ठीक है, इसका मास एम मान लो, और इसके नीचे एक और रस्सी है, इस रस्सी का नाम ए है, इस रस्सी का नाम बी है। अब मैंने क्या किया, इस रस्सी को पकड़ा और जर्क दिया, जर्क देने पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन सी रस्सी टूटेगी, तो मैक्सिमम लोग कहते हैं ए, बट रियल आंसर इज बी, बी टूटेगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने रस्सी को जर्क दिया तो ये मोमेंटम पूरी तरीके से ट्रांसफर नहीं हो पाया, ये बॉडी यहाँ पर रेस्ट पे रहना चाहती है क्योंकि हैवी ऑब्जेक्ट है, तो रस्सी बी वाली टूटेगी। बिल्कुल ये उसी तरीके है कैसे, जैसे आम का टहनी के साथ में मैंने बताया था, टहनी आपकी हिली तो ये आम नीचे गिर जाएगा, क्यों? क्योंकि रेस्ट पर है। सेम एग्जाम्पल, क्लियर है बच्चों? बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की। जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो कंटिन्यूअसली मोशन में रहना चाहेगा अंटिल एंड अनलेस उसके ऊपर कोई फोर्स हम लोग अप्लाई या चेंज उसका नहीं करते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि शोएब अख्तर जो है वो बॉल बहुत दूर से भागता हुआ लाता है, क्यों? ताकि वो अपनी स्पीड भी उस बॉल में दे सके। ऐसे किसी भी रनिंग इवेंट के अंदर हम लोग यही कहते हैं कि जो भी बंदा होता है वो भाग के आता है और कोई भी अपना जो एनर्जी होता है, अपना जो स्पीड होता है, वो उस बॉल में या उस थ्रो में डिलीवर करता है। क्लियर है? अच्छा एग्जाम्पल एक और बच्चों, अगर मूविंग बस होता है ना, तो मूविंग बस में जैसे मूव करता हुआ बस है, उसने एकदम से ब्रेक लगा दिए, अगर उसने ब्रेक लगाए तो हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा लोअर पार्ट तो रेस्ट पे आ गया लेकिन ऊपर वाला पार्ट अभी भी मूव करता रहना चाहता है, उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहता है। क्लियर है? तो हमारा बॉडी क्या होता है, आगे की ओर ऐसे करके झुक जाता है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, बेस्ट एग्जाम्पल, अगर हाईवे पे कार आपका किसी सर्कुलर टर्न से मूव कर रही है, तो जैसे ही आप कार को इधर मोड़ोगे तो कार तो मुड़ चुकी है लेकिन आप अभी भी ऐसे करके बाहर की ओर जा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग अभी भी, हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है उसको ऐसा लगता है कि ये उधर ही जा रहे हैं अभी भी, लेकिन एक्चुअली कार टर्न कर चुकी है। इसी तरीके से बारिश के दिनों में जब रोडों के ऊपर हमारा मड छा जाता है, तो जैसे उसके ऊपर से टायर निकलता है, मड के ऊपर से टायर निकलता है, तो कीचड़ जो है टेंजेंशियली पीछे वाले के मुंह पे जाके गिरता है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, नोट करो बच्चों इसको। बच्चों न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है ना, ये सिर्फ क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव नहीं होता है। क्वालिटेटिव का मतलब ये सिर्फ बातें बताता है, बातों में कितना हमें चाहिए वो नहीं बता पाता, मतलब जैसे फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड चाहिए या कितना लग रहा है या कहां लग रहा है, ये सब वो नहीं बताता। तो सिर्फ क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करता है, क्वालिटी के बारे में बात जो करता है वो है सेकेंड लॉ। तो मैं लिखता हूं अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इस सेकेंड लॉ में सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए मोमेंटम क्या होता है। तो बच्चों मोमेंटम हम लोग बेसिकली पी से दिखाते हैं, बट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम और कुछ नहीं बट मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। क्लियर है? ये वेक्टर क्वांटिटी होता है और मास या वेलोसिटी किसी में भी चेंज को चेंज हो सकता है। तो मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट, और इसका जो यूनिट हो गया बच्चों, यूनिट है हमारे पास केजी मीटर पर सेकेंड। इसका केजी हो गया, इसका मीटर पर सेकेंड हो गया। क्लियर है बच्चों? तो सेकेंड लॉ देखो हमारे पास क्या कहता है। लोगों के दिमाग में भ्रम है कि सेकेंड लॉ का मतलब एफ इक्वल टू एम ए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेकेंड लॉ हमेशा ये कहता है कि जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स या नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी होता है टाइम के साथ। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाई है, ये हमारे पास में सेकंड लॉ कहता है। क्लियर है? इसका मतलब क्या, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ इक्वल टू बच्चों डीपी बाई डी टी। ध्यान से देखो, इस पी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम वी, बोलो एम वी बाई डी टी। अब हमें नहीं पता मास कांस्टेंट है या वेलोसिटी कांस्टेंट है, हम तो दोनों वेरिएबल लेके चलते हैं, तो दोनों का डिफरेंशिएशन करो, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो एक को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को छोड़ा पहले का डिफरेंशिएशन कर दिया। बोलो बच्चों डिफरेंशिएशन ऐसे कर देना, ठीक है। अब अगर हम लोग क्या करें,
मास को कांस्टेंट मान ले बच्चों, अगर मास कांस्टेंट हो गया तो चेंज इन मास कितना हो गया, जीरो। तो हमारे पास फोर्स देखो क्या आने वाला है, फोर्स आएगा हमारे पास एम डी वी बाई डी टी। और बच्चों एक चीज आप जानते हो, डी वी बाई डी टी हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो हम इसको लिख सकते हैं एम इंटू ए। बात समझ में आई, ये डी वी बाई डी टी बहुत छोटे से चेंज के लिए होता है, इसलिए हमारे पास किस तरीके का एक्सेलरेशन हो गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। वहीं इसी केस में हम लोग एवरेज फोर्स की भी बात कर सकते हैं बच्चों। तो एवरेज फोर्स और कुछ नहीं बट एम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी हो जाएगा। इसका मतलब हम इसको बोल सकते हैं एम इंटू डेल्टा ए। कुल मिला के ये हमारे पास क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन है बच्चों। और एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। क्लियर है? वहीं अगर हमारे पास मास की जगह वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो जाए, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो। तो फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, वी डी एम बाई डी टी हो जाएगा। वहीं अगर एवरेज की बात करेंगे तो डेल्टा एफ मेरे पास में क्या हो जाएगा, वी डेल्टा डी डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा बच्चों। ये एवरेज फोर्स हो गया। क्लियर है? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एवरेज, एवरेज फोर्स। क्लियर बच्चों? Now, इसमें देख देखो क्या दे रखा है, ये बड़े से टाइम इंटरवल में जो मास का चेंज है उसको शो कर रखा है। अब ये चीज हम लोग कहाँ यूज करते हैं मैक्सिमम, इसका हमारे पास जो एप्लीकेशन रहेगा वो रॉकेट वाले क्वेश्चंस में रहेगा, है ना। उसके बाद हॉज पाइप, मतलब जो गार्डनिंग करते समय हम लोग पानी देते हैं ना, तो पानी का निकलना सेम स्पीड से निकलता है और पानी का कुछ मास पर टाइम के साथ में निकलता रहता है। तो किस तरीके के क्वेश्चंस में आएगा, पानी वाले हॉज पाइप वाले क्वेश्चंस में, ऐसा कैसा है, ये हमारे पास में कन्वेयर बेल्ट वाले क्वेश्चन में आता है। कन्वेयर बेल्ट में बच्चों याद है आपको क्या होता है, कन्वेयर बेल्ट वाले क्वेश्चंस में क्या होता है हमारे पास में, कन्वेयर बेल्ट पे जैसे हम लोग सैंड डालते रहते हैं ना कंटिन्यूअसली, उस तरीके के क्वेश्चंस में ये हमारे पास में यूज आता है। क्लियर है? वहीं अगर हमारे पास फोर्स जीरो हो जाए बच्चों, ये नेक्स्ट बात बता रहा हूं, अगर हमारे पास फोर्स जीरो हो जाए तो बच्चों डीपी बाई डी टी कैसा आएगा, जीरो। यानी कि डीटी आपके पास कैसा हो गया, जीरो। तो डीपी आपके पास में बचा, डीपी का मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू जीरो। और चेंज इन मोमेंटम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी इनिशियल और पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल टू जीरो। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। इसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर बच्चों? नोट करो इसको। क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन जैसे आपको दिया, आपने आपने नोटिस किया एफ इक्वल टू डीपी बाई डीटी था, और डीपी बाई डीटी बच्चों एक तरीके से आप देखो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये टेन थीटा। अगर मैं आपके लिए ग्राफ बनाता हूँ, जैसे मान लो ये मेरे पास मोमेंटम और टाइम का ग्राफ हो गया, तो स्ट्रेट लाइन जो है वो आपका क्या शो करेगा, फोर्स को शो करेगा। मतलब स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा, जैसे ये मान लो थीटा है, तो इस बार जो फोर्स होगा वो किससे शो अप होगा, टेन थीटा से। क्लियर है? जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया कि ये हमारे पास P है, ये मेरे पास में T है, और ये A है, ये B है, ये 30 डिग्री पर है, और ये यहाँ से 60 डिग्री पर है। ठीक है? आपको पूछा गया है FA अपॉन FB क्या होगा बच्चों, FA अपॉन FB क्या होने वाला। तो FA अपॉन FB, FA किसका हो गया, A का। A का स्लोप कितना हो गया, tan 60। तो FA अपॉन FB और कुछ नहीं बट tan 60 अपॉन tan 30 है बच्चों। नोट किया आपने, तो 1060 अपॉन 1030, 1060 कितना हो गया, रूट थ्री, 1030 वन बाई रूट थ्री। बोलो बच्चों, तो ये कितना आ गया, 3/1। आसान है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आपको दिया जाए कुछ इस तरीके से, ध्यान रखना कई बार वो बहुत चालाक होता है, चालाकी से वो बहुत कुछ करवा सकता है ना। ये आपको ए दे दिया, ये आपको बी दे दिया, बोला ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे एक चोट कर दी उसने, पूछ अभी भी वही रहा है कि एफ ए अपॉन एफ बी क्या होगा। तो लोग बात क्या करते हैं, अभी भी आंख बंद करके यहीं से ले लेते हैं 30, यहीं से ले लेते हैं 60, टेन 30/60 ले लेते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। क्लियर? वो ये नहीं देखते कि इस बार मोमेंटम एक्स एक्सिस पे दिया है और वाई एक्सिस पर टी दिया है। तो बच्चों हमारे पास में फोर्स तो क्या होता है, डीपी बाई डीटी तो होता है हमेशा, फोर्स तो आपके पास यही रहने वाला है dp by dt, लेकिन बस चक्कर ये पड़ गया कि इस बार वो उल्टा है, तो ये और कुछ नहीं बट 1/10 थीटा होगा, यानी कि फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 10 थीटा होगा इस बार। क्लियर? तो नाउ आपको क्या लिख सकते हैं, f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/10 थीटा बच्चों। इसका मतलब जो भी fa है वो कैसे दिखाएंगे हम लोग, 1060 से। क्लियर? मतलब fa हमारे पास में यहां पे आ जाएगा 10
30 और एफ बी हमारे पास कितना आ जाएगा 10 60। तो 10 60 का गेन कितना हो गया √3 10 30 1/√3। तो ये आ गया अभी भी 3:1। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है, 1:3 नहीं आएगा, 3:1 आने वाला है। ठीक है, नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, जैसे मान लो एक दीवार है, ठीक है, अब एक बॉल जो है वो इनिशियल आ रही है इससे टकराने के लिए, दीवार की ओर आ रही है, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है, ठीक है, टकराई और वापस उसी लाइन पे आ रही है, पर मैं दिखा नहीं सकता तो इस लाइन में ऐसे दिखा देता हूँ, ये आ रही है 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। बॉल का जो कॉन्टैक्ट है जो दीवार के साथ हुआ है उसमें उसको टाइम लगा है 0.01 सेकेंड। तो आपसे पूछा गया है एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉल बाय वॉल, और वो भी मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स। चक्कर क्या है मैग्नीट्यूड देने का, उसका रीजन है कि उसने ये नहीं बताया कि इधर का डायरेक्शन आपको पॉजिटिव लेना है या उधर का पॉजिटिव लेना है, तो हर बार वो नेगेटिव मैग्नीट्यूड देगा। अगर वो आपको साइन दे देता है कि लेट टेक इधर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, तो आपको फिर साइन के साथ में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। बताओ बच्चों एवरेज फोर्स हमारे पास क्या होता है, एवरेज फोर्स हमारे पास हो गया एम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। मान लो इस बॉल का जो मास है वो 800 ग्राम है, ठीक है, तो एम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, तो एम कितना दिया आपको 800 ग्राम में दिया है, तो पॉइंट केजी में ले लिया मैंने, ठीक है, इनटू डेल्टा वी। अब बताओ चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी हो गया वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ध्यान रखना आपको वेक्टर टर्म्स में लेना है हमेशा, इनटू डेल्टा टी। अब डेल्टा टी टाइम इसको कितना लगा बच्चों 0.01, तो ये कितना आ गया 0.800 अपॉन 0.01 इनटू चेंज इन वेलोसिटी। वी फाइनल किधर है बच्चों, पीछे की ओर है ना, और वी इनिशियल उधर की ओर, चूंकि वेलोस वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, तो हमें साइन के साथ लेना पड़ेगा। तो मान लो इधर का साइन नेगेटिव है, तो कितना आएगा -8 -10। बोलो बच्चों ये बात समझ में आई आपको, तो ये कितना हो गया देखना जरा, 2 पॉइंट से यहाँ 2 पॉइंट खत्म हो गया, 0.8 रहा, 0.8 इंटू ये हो गया माइनस का 18। तो 14.4 हमारे पास में न्यूटन आ जाएगा एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल बॉल ऑन बाय द वॉल, ठीक है, नोट करो बच्चों इसको। एक गन है, गन वो n नंबर ऑफ बुलेट्स फायर करती है, ठीक है, n नंबर ऑफ बुलेट्स फायर करती है पर सेकेंड, और हर बुलेट का मास, ईच बुलेट का मास बच्चों आपको दे रखा है m, ठीक है, और स्पीड आपको दे रखी है जिससे वो फायर हो रही है वो है v। आपको बताना है रिकॉइल स्पीड ऑफ गन। अब एक चीज सोच के देखो, गोली जब गन के अंदर है तो रेस्ट पर है, गन भी रेस्ट पर है और गोली भी रेस्ट पर है, ठीक है, जैसे गोली आगे चलेगी तो गन पीछे की ओर आएगा, ठीक है, तो क्या कंजर्व है, कोई नेट फोर्स तो यहाँ पे है नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो यहाँ पे है नहीं, इंटरनल फोर्सेस की वजह से ही हमारे पास हुआ है, और एफ नेट अगर जीरो है तो हम क्या लगाते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, देखो मोमेंटम कंजर्वेशन आपके पास में क्या आ जाएगा, मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू, ये इनिशियल वाला हो जाएगा बच्चों, तो इसको मैंने नाम दे दिया इनिशियल, और बाद में फाइनल में मोमेंटम ऑफ गन वो भी फाइनल प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट वो भी फाइनल। अब आपको इनिशियल में पता है ये दोनों क्या हो गया, जीरो हो गया। अब ये दोनों जीरो है बच्चों, तो इन दोनों में बटा हुआ से एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, मान लेते हैं गन पीछे आ रही है तो ये माइनस में आ जाएगा, और गन का मास आपको नहीं दे रखा, आपको तो मोमेंटम निकालना है गन का ही रिकॉल का, तो पी जी एफ निकालना है आपको, प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट आपको पता है, कैसे पता है अभी देखो इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया मोमेंटम ऑफ गन दिस इज इक्वल टू, अब आपको देखना है मोमेंटम ऑफ ये क्या नाम है अपना बुलेट क्या आने वाला है फाइनल। नाउ बुलेट क्या हो गया, मास इनटू वेलोसिटी, ईच बुलेट का मास m है, नंबर ऑफ बुलेट फायर कर रखी है पर सेकेंड, तो टोटल मास कितना हो जाएगा n इनटू m, और हर एक का स्पीड कितना, ये तो मास हो गया और स्पीड कितना है v, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया nmv, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एक डिस्क है जिसका मास है 50 ग्राम, और बच्चों ये हवा में है और हवा में फ्लोट करती है, क्लियर है, ये हवा में फ्लोट इसीलिए कर पा रही है
क्योंकि नीचे से हम लोग कंटिन्यूसली पेबल्स को फेंक रहे हैं, ठीक है। तो जो पेबल्स फेंके जा रहे हैं उनका हर एक का मास आपको दे रखा है 2 ग्राम, क्लियर। और जिस स्पीड के साथ ये इससे टकराती है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, और टकराने के बाद इसी स्पीड से रिबाउंड होती है 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कोलिजन किस तरीके का हो गया बच्चों, इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। आपको बोला गया है कि पर सेकेंड, पर मिनट हमने कितने पेबल्स फेंके, पर मिनट नंबर ऑफ पेबल्स आपको बताने हैं बच्चों, पर मिनट हम पेबल्स कितना फेंक रहे हैं इसको रोक के रखने के लिए, वो आपको बताने हैं, क्लियर। अब नाउ बताओ मेरे को कि आखिर क्या हो रहा होगा, ये नीचे आना चाहता है किस वजह से, एमजी की वजह से, और ये बुलेट इसके ऊपर की ओर क्या फोर्स लगा के रख रखा है, एफ एवरेज फोर्स लगा के रख रखा है, और इस समय ये रेस्ट पर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एवरेज फोर्स जो है वो किसके बराबर है, mg के बराबर। m कितना है, 50, इसको ग्राम केजी में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 0.05 ग्राम इनटू, अच्छा नहीं रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, है ना, इसको ग्राम में रख लो, बस यूनिट लिख लेना साथ में, 50 ग्राम इनटू जी, जी हमारे पास जी रहने देते हैं। और f एवरेज बच्चों इस केस में कितना आ जाएगा, f एवरेज हमारे पास में आ गया m डेल्टा v बाय डेल्टा t, क्योंकि एवरेज फोर्स निकालना है बच्चों, ठीक है। अब आप मेरे को एक बताओ, ये तो 50 ग्राम हो गया, इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, 50 ग्राम इनटू जी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हो गया। एम नाउ मास कितना है बुलेट का, ईच का 2 ग्राम, देखा ग्राम आ गया ना, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा। अब बताओ चेंज इन वेलोसिटी कितने की है, 2 से गया, 2 से आया, तो चेंज इन वेलोसिटी 4 की हो गई, और ईच बुलेट मतलब ईच पेबल का मास 2 ग्राम है। अब हमें क्या पता है 1 सेकंड में कितना फेंका गया है, तो मान लो n पेबल्स फेंके गए हैं पर सेकंड, तो टाइम कितना हो गया आपके पास में, 1 सेकंड में n पेबल्स आए, ठीक है। यहाँ से हमें देखो क्या पता चल रहा है, 2 से ये कट रहा है 5 बार, और ये भी 2 से कट रहा है, ये आ गया 25, तो n देखो कितना आया बच्चों आपके पास में, n आ गया 125/2, वो भी कैसा मतलब पर सेकेंड में आया ये, ठीक है बच्चो, ये पर सेकंड में आया। तो पर मिनट में करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे ये कट गया 30 आ गया, यानी कि 3750 पेबल पर मिनट हमें फेंकने पड़ रहे हैं ताकि हम इस फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट को यहीं पे फ्लोट करवाते रहे, क्लियर, नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एक दीवार है जो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर की ओर जा रही है, और एक बॉल है जो 14 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर की ओर जा रही है, ठीक है। बॉल का मास आपको दिया हुआ है, बॉल का मास है हमारे पास 2 ग्राम, और बॉल जो इस दीवार के साथ टकराने वाली है, तो इनके बीच में कॉलिजन जो होगा वो इलास्टिक कॉलिजन है बच्चों, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया है वो सुनो, आपसे पूछा गया है एवरेज फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन द बॉल, कितना फोर्स एक्सर्ट किया है वॉल ने। अब एक्सर्ट फोर्स के लिए सबसे पहले हमें चाहिएगा कि टकराने के बाद इस बॉल की वेलोसिटी कितनी है, तो प्लीज इलास्टिक कॉलिजन देख करके 14 से आई 14 से गई मत कर देना, क्यों, क्योंकि यहां पर यह वॉल भी मूविंग है, ठीक है बच्चो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसे केस में आप लोग क्या किया करो, आप खुद जाके वॉल पे बैठ जाया करो। जब आप वॉल पे बैठ गए तो आपके रेस्पेक्ट में वॉल की स्पीड क्या हो गई, 0, और खुद आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितने से चल रहे हो, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हो, ठीक है। तो पहले आप निकालो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू वॉल, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू वॉल इज वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ वॉल, तो बॉल पहले इधर की ओर किस रेस्पेक्ट में कितने से आ रही है ये देखो, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल कितना हो गया बच्चों, 14 माइनस वेलोसिटी ऑफ वॉल कितना है 4, तो ये कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। मैंने आई कैप जे कैप वगैरह इसलिए नहीं लिए क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए टेंशन नहीं है, कितना आया 10 मीटर पर सेकंड। अब इतने से ये बॉल आ रही है तो इलास्टिक कोलिजन है तो इतने से ही वापस जाएगी, लेकिन ये विथ रेस्पेक्ट टू वॉल है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बॉल टक्कर के बाद में बच्चों इसमें जो टाइम लग रहा है ना वो भी लिख देता हूँ, 0.02 सेकंड लग रहा है वेलोसिटी ऑफ बॉल, अब माइनस का 10 मीटर पर सेकंड है विथ रेस्पेक्ट टू वॉल,
ये है टकराने के बाद इलास्टिक कॉलिजन। तो अब बॉल की वेलोसिटी कितनी है, तो यहां से निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू वॉल इज वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ वॉल। ठीक है बच्चों, ये कितना आ चुका है -10। और बताओ जैसे मान लो एक एक्सीलरेटर है वो ऊपर जा रहा है ना, अगर आप उसके ऊपर कूदते हो तो भी उसकी स्पीड आप चेंज नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये बॉल क्या इसकी स्पीड चेंज कर पाएगा, तो इसका जवाब है नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल हमें निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ बॉल अभी भी 4 है उस तरफ, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल कितना आया बच्चों, ये आएगा माइनस का 6 मीटर पर सेकेंड। एज एक्सपेक्टेड हमें पता था कि इसका आंसर नेगेटिव में आने वाला है, आ भी रहा है। अब हम लोग निकालते हैं इस पर एवरेज फोर्स। बच्चों एवरेज फोर्स हमारे पास क्या हो गया, एम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। मास ऑफ द बॉल कितना दिया है आपको 2 ग्राम, तो 2 × 10⁻³ इंटू चेंज इन वेलोसिटी कितने का है, देखो आया 14 से और गया कितने से -6 से, तो -6 - 14 अपॉन टाइम जो लगा वो कितना लगा 0.02 सेकेंड। बोलो बच्चों, ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ गया 2 × 10⁻³ अपॉन ये आ गया 2 × 10⁻², इंटू ये हो गया हमारे पास में 20। मैग्नीट्यूड में चाहिए हम लोगों ने ये कहा था, तो प्लस का 20 मैंने ले लिया नीचे, क्लियर है। इससे ये कटेगा यहाँ पे, ये जीरो गया, 2 से ये गया, तो ये आ गया 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट करेगा बच्चों, कॉपी करो। आपको एक होज पाइप दे रखा है, ठीक है, इस होज पाइप में मान लो कोई लिक्विड है जिसका डेंसिटी रो है, और इसका जो पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए है, और इसमें से ये लिक्विड बाहर की ओर निकल रही है किसी रेट से, ठीक है, और इसका स्पीड है आपके पास में वी। तो बच्चों कभी आपने ऐसा महसूस किया है, आपने क्या गार्डन के अंदर पाइप को डाल दिया और जाकर के नल को चलाया, जैसे ही नल चलाया पानी जैसे पाइप में से बाहर निकलता है, पाइप ऐसे ऐसे करता हुआ पीछे आता है, तो वो क्या है पानी बाहर निकल रहा है तो उस पाइप पे फोर्स पीछे लग रहा है। आपको वो फोर्स कैलकुलेट करना है कि आखिर वो कितना फोर्स लगा रहा है, क्लियर है। पानी बाहर निकल रहा है तो फोर्स पीछे की ओर कितना एग्जर्ट कर रहा है इस पर, तो ठीक है बच्चों, तो एवरेज फोर्स एग्जर्टेड कितना निकलेगा, तो देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, कैसे पता चल रहा है, एक्चुअली ये ना यूनिट एंड डायमेंशन के बिहाफ पे आराम से सॉल्व होगा। जैसे एफ एवरेज बच्चों आपके पास में क्या आने वाला है, वी डी एम बाई डी टी, समझो, है ना, ये मैंने बताया था आप लोगों को, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मास रेट चेंज हो रहा है, मास रेट चेंज हो रहा है तो एवरेज लगाना है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, डेल्टा एम बाई डेल्टा टी। माइंड इट, ये वेलोसिटी है, इसको मैं छोटे से दिखाता हूँ वी से, देखना ये हो गया हमारे पास स्मॉल वी। अब इसको अलग से साइड में ले लो, डेल्टा एम बाई डेल्टा टी, बच्चों मास आपके पास में क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, आपकी डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, और वॉल्यूम में क्या होता है एरिया इंटू लेंथ, आपका एरिया भी चेंज नहीं हो रहा है, लेंथ चेंज हो रहा है लिक्विड का, जो ये जो लेंथ है कंटिन्यूअसली चेंज होता जा रहा है, तो डेल्टा एल बाई डेल्टा टी आप लिख सकते हो, और डेल्टा एल बाई डेल्टा टी आपके पास में क्या हो गया वी हो गया बच्चों, स्पीड हो गया ना, इसको उठा के मैं कहाँ रख सकता हूँ यहाँ पे, तो एफ एवरेज आपके पास में कितना आ गया, ये आ गया रो ए वी स्क्वायर। बोलो क्लियर है, तो एवरेज फोर्स जो पाइप के ऊपर एग्जर्ट हो रहा है पीछे वाली साइड में वो ये है, नोट करो। एक रॉकेट है उसका मास दे रखा है आपको 2000 kg, ये ग्रेविटी फ्री स्पेस में मूव कर रहा है, ठीक है, अब ये गैस इजेक्ट कर रहा है, जो गैस इजेक्ट कर रहा है बच्चों ये वो कर रहा है 50 kg/s से, है ना, 50 kg/s कर रहा है, तो आपको बताना है कि t=20 सेकंड के बाद में एक्सीलरेशन ऑफ रॉकेट क्या है। ये जो गैस इजेक्ट कर रहा है बच्चों इसकी स्पीड आपको दे रखी है, किस स्पीड से कर रहा है v=20 m/s, तो आपको बताना है एक्सीलरेशन 20 सेकंड के बाद में कितना आने वाला है। अब आप एक चीज सोचो, ये स्पेस जो है ग्रेविटी फ्री स्पेस में, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि mg नहीं लगेगा, ग्रेविटी फ्री स्पेस, तो अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो जरा सोचो क्या होगा, जिस रेट से ये लिक्विड निकल रहा होगा उतना ही तो फोर्स इस पर लग रहा होगा। बोलो, जिस फोर्स से ये बाहर आ रहा है एफ से, वही फोर्स तो इसको ऊपर की ओर उठा रहा होगा, और वही इसको नेट क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, एक्सेलरेशन, सही है। इनिशियली मास कितना है इसका, अगर मैं बात करूं फोर्स जो एग्जर्ट हो रहा है, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है इसका 2000, और एक्सेलरेशन आप यहां पे देख सकते हो ए,
इनिशियल फोर्स हमारे पास ये जो लिक्विड निकल रहा है यहां से निकाल सकते हैं हम लोग, F इज इक्वल टू V dm by dt हो गया। बोलो बच्चों V कितना है आपके पास में 20 और dm by dt कितना है 50, कितना हो गया 1000 मीटर पर सेकंड, नहीं हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं ये कितना हो गया 1000 न्यूटन। तो यहाँ पे ये हमने निकाला एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन बच्चों ये कहाँ का है सोचो, ये है इनिशियली जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं इस रॉकेट के चलने पे। जब रॉकेट चल चुका है कितना सेकंड 20 सेकंड, तो 20 सेकंड में इसने कितना अपना मटेरियल गंवा दिया, तो 40 इक्वल टू 20 सेकंड बच्चों इसने जो मटेरियल गंवाया अपना दैट इज 50 केजी पर सेकंड इंटू 20, यानी कि ये 1000 केजी अपना मास गंवा चुका है बच्चों। अब नेट मास कितना बचा, नेट मास आपके पास बचा है बच्चों 2000 में से 1000 गए तो कितना बचा 1000। बच्चों डाटा चेंज हो सकते हैं इसलिए मैं पूरी बात लिख रहा हूँ, टोटल हमारे पास 2000 था, 1000 अब निकल चुका है तो अब कितना बचा है 1000। अब इस 1000 केजी से फोर्स इतना ही एग्जर्ट होना है, तो एक्सेलरेशन क्या है, तो फोर्स हमारे पास अभी भी कितना है क्योंकि अभी भी इसी रेट से ये बाहर निकल रहा है, तो 1000 न्यूटन का F इक्वल टू MA हो गया। अब हमारे पास फोर्स कितना है बच्चों, फोर्स अभी भी हमारे पास 1000 है, और मास अब जो बचा हुआ मास है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, तो बच्चों एक्सेलरेशन कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर है। नेक्स्ट जो बात आती है बच्चों हमारे पास में वो है इंपल्स। इंपल्स क्या होता है, ठीक है, इंपल्स का मतलब होता है बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में लार्ज अमाउंट के फोर्स के एग्जर्ट होने को। दोबारा बोल रहा हूँ, इंपल्स का मतलब हो गया बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में लार्ज अमाउंट के फोर्स को एग्जर्ट होने को हम लोग बोलते हैं इंपल्स। कैसे गवर्न करते हैं इसको, एक एग्जांपल देता हूँ मैं बच्चों, एक कील हमने इसके ऊपर रखी और हथौड़ी से मारा, तो एट द इंस्टेंट जब हथौड़ी उससे टकरा रही है लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स वहां पे एग्जर्ट हो रहा है बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए। ऐसे ही क्रिकेट के अंदर जब बॉल आकर के बैट से टकराती है बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बॉल से टकराती है, और लार्ज अमाउंट में बैट्समैन क्या करता है उस बॉल पे फोर्स एग्जर्ट करता है, ऐसा तभी तो बॉल इतनी दूर जाके गिरती है अगर बैट पे ढंग से आती है तो। वहीं अगर फुटबॉल की बात करें, एक फुटबॉल को अगर आपने मैच देखा है तो एक हल्के से किक में बॉल बहुत दूर जाके गिरती है, क्यों, क्योंकि बहुत फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए लार्ज अमाउंट का फोर्स एग्जर्ट होता है, उसको हम लोग इंपल्स कहते हैं, ठीक है। अब इंपल्स बेसिकली हम लोग दिखाते कैसे हैं बच्चों, ध्यान से देखना, F इक्वल टू हमारे पास क्या होता है dP by dt, इसको dt को मैं उधर लेके जा सकता हूं, तो dP क्या लिख सकता हूं मैं F dt, अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दें यही आपका इंपल्स है बच्चों, ठीक है। अगर वैल्यू फिक्स है तब तो ठीक है, और वैल्यू अगर मतलब फोर्स का अगर वेरिएशन हो रहा है तो हम लोगों को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जैसे मान लो फोर्स और टाइम का ग्राफ गिवन है, तो लार्ज अमाउंट का फोर्स जहां पे एग्जर्ट हो रहा है यही हमारे पास क्या है, इंपल्स है, ठीक है। एक तरीके से हम लोग एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हैं, मतलब कि ये पूरी चीज हम लोग निकाल रहे हैं, ये पूरी चीज हमारे पास क्या हो गई है, इंपल्स हो गई है, क्लियर। मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, ये पूरा एरिया हमारे पास क्या हो गया एक तरीके से इंपल्स हो गया है ना, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास फोर्स कांस्टेंट है, मैं लिखता हूँ, अगर हमारे पास फोर्स जो है वो कांस्टेंट है तो हम इसको लिख सकते हैं इंपल्स को, दैट इज डेल्टा पी इक्वल टू एफ डेल्टा टी। वहीं अगर हमारे पास फोर्स अगर कांस्टेंट नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, यही चीज करनी पड़ेगी, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी इंटीग्रेशन डी पी इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी टी। हो सकता है आपके पास में फोर्स का वेरिएबल दिया हो इन टर्म्स ऑफ टाइम, जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों एफ इक्वल टू मान लो दिया हुआ है 3x² - 2x + 5 है ना, और पूछा गया टी इक्वल टू 2 सेकंड से लेकर टी इक्वल टू 3 सेकंड के बीच में आपका इंपल्स कितना है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कैसे, इंपल्स हमारे पास में बेसिकली हुआ क्या, इंपल्स हो गया इंटीग्रेशन एफ डी टी, टाइम के टर्म्स में दिया हुआ है तो एफ रख दो आप, दैट इज सॉरी यहाँ पे टाइम के टर्म्स में देंगे इक्वेशन को 3t² और 2t, ठीक है, तो 3t² - 2t + 5 इंटीग्रेट करेंगे इसको dt के रेस्पेक्ट में बच्चों, कहाँ से कहाँ 2 से 3, क्या हो गया इसका इंटीग्रेशन 3t³/3 - 2t² / 2 + 5, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग 2 से 3, रखो 3, ये 3 से 3 कट गया, ये आ गया अपने पास में 27 माइनस रखो 3 9, ये गया प्लस 5, उसके बाद में
माइनस साइन रखो 2, तो ये हो गया 8 माइनस 4 प्लस 5। ठीक है बच्चों, इधर देखो 9 में से 5 गए 4, 27 में से 4 गए 23, तो यहाँ पे आ गया ये 23। माइनस इसको सॉल्व करो, 8 में से 4 गए 4, 4 प्लस 5 9, और ये आ गया आपके पास में माइनस का 9, और यहाँ पे हो गया हमारे पास 23 में से 9 गए, तो वो आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास में आ गया 14 न्यूटन सेकंड। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंपल्स का जो यूनिट है वो न्यूटन सेकंड में आता है। ठीक है, नोट करो इसको। बच्चों आपको बोला गया है एक बॉडी है उसके ऊपर इस तरीके से फोर्स लग रही है टाइम के साथ में, और उस बॉडी का मास आपको दिया हुआ है 18 kg, और इनिशियल वेलोसिटी उस बॉल की है 0, तो आपको बताना है फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी। ठीक है, तो सबसे बढ़िया काम हमें पता है कि इसका जो एरिया होता है क्या देता है, इंपल्स देता है, तो सबसे पहले आप इसका एरिया निकाल लो। बच्चों एरिया के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रिप काट लेते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रिप होगी वो किस फॉर्म में होगी, dt में, सही है। तो एरिया आपको क्या दे देगा, एरिया आ जाएगा आपके पास में इंटीग्रेशन एफ डी टी। क्लियर, अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, एफ चूंकि वेरिएबल में नहीं है, ये एरिया आपके पास में साफ साफ दिख रहा है किस तरीके का आने वाला है, ट्रेपेजियम, तो आप इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लो, दैट इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड यहाँ से यहाँ कितना हो गया 6, प्लस यहाँ से यहाँ कितना हो गया 12, इंटू इनके बीच का दूरी कितना है, यह आपको 20 दे रखा है, कितना आ गया ये 20। ठीक है, तो इसमें आपका वैल्यू कितना आ गया 10, 18, 180। अब आपको पता है ये एरिया है क्या, एक्चुअली इंपल्स इधर है बच्चों, और इंपल्स आपको पता है क्या लिखते हैं हम लोग, डेल्टा पी, तो एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिख सकते हैं ना, और इनिशियल वेलोसिटी बच्चों आपके पास में कितनी है, ये 0 हो गई, मास कितना दिया है 18, वी फाइनल इक्वल टू आपके पास आ गया 180, तो वी फाइनल आपके पास आ चुका है 10 मीटर पर सेकेंड। नोट करो इसको। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ की। न्यूटन का थर्ड लॉ बेसिकली क्या बोलता है बच्चों, कि एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बच्चों ये बातें आप लोग सब पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से, लेकिन इस बात में बहुत गहराई है। देखो एक एक बात मैं आपके सामने रिवील करता हूँ। ठीक है, एक्शन रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बच्चों मैं कुछ बातें बताता हूँ, पॉइंट्स याद करना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहला पॉइंट, एक्शन एंड रिएक्शन जो है ये दोनों अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करती है, एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ठीक है बच्चों, दूसरी बात, जिस नेचर का एक्शन होगा उसी नेचर का रिएक्शन होगा, समझ में आया। जैसे हमारे पास फोर्स दिया हुआ है एक्शन में mg, ठीक है, किसमें दिया हुआ है, एक्शन में हमको दिया हुआ है mg, तो रिएक्शन में भी हमारे पास में mg का ही फोर्स होगा, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगा। ठीक है, तीसरी बात, जिस नेचर का एक्शन है उसी नेचर का रिएक्शन है, और जितने मैग्नीट्यूड का एक्शन है उतने ही मैग्नीट्यूड का रिएक्शन होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जिस नेचर का एक्शन है उसी नेचर का अगर रिएक्शन है तो ये दोनों अलग अलग बॉडीज पे लगेगी। तो जो काम काम की बातें सीखो, दोनों फोर्स अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं, जिस नेचर का एक्शन है उसी नेचर का रिएक्शन होगा, मैं नेचर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, फोर्स की किस तरीके का फोर्स है, और वही तीसरी बात कर रहा हूँ कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन होगा वही वैसा ही मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन होगा, मतलब जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होने वाला है। क्लियर है बच्चों, ये कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको शो करता हूँ, ध्यान से सुनना, जैसे एक सीलिंग से एक रस्सी लगा रखी है और उसके नीचे एक ब्लॉक है, क्लियर, इस ब्लॉक का मास एम है, अगर मैं एफबीडी की बात करूं तो ऊपर मेरे पास लग रहा है टेंशन टी और नीचे ब्लॉक पे लग रहा है एम जी,
अगर मैं बात करूं ये दोनों एक्शन रिएक्शन है क्या, तो मैक्सिमम लोगों का जवाब आता है यस, तो इसका आंसर है नो। व्हाई? पहली बात तो ये कि इस ब्लॉक पे ये दोनों फोर्स लग रहे हैं, और मैंने बोला था ये दोनों अलग अलग बॉडीज पे लगेंगे, पहली बात। दूसरी बात, मैंने ये बोला था कि जिस नेचर का एक्शन है उसी नेचर का रिएक्शन होगा, तो टेंशन का एक्शन टेंशन ही रिएक्शन में आएगा, एमजी कैसे आ सकता है। और अगर मैंने आपको बोला कि ये दोनों, आप बोल रहे हो कि अगर ये दोनों एक्शन रिएक्शन है, तो मैंने जैसे ही रस्सी काट दी तो दुनिया में आपने एक ही फोर्स को एग्जिस्ट करवा दिया और मरा हुआ न्यूटन वापस मर जाएगा। आई बात समझ में? इसका मतलब आप गलत थे। एक्चुअली सेम नेचर का एक्शन होता है, मतलब नेचर जो होता है दोनों का सेम होता है, जो एक्शन का होगा वही रिएक्शन का होगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कुछ फोर्सेस के बारे में। बच्चों देखो, सबसे पहला फोर्स जो हम लोग लेने वाले हैं दैट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। समझने की कोशिश करना ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों जैसे आपने ये एक बॉल ले रखी है और ये हमारे पास मान लो अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ का मास हमको दिया हुआ है कैपिटल एम और इस बॉल का मास दिया हुआ है स्मॉल एम। अर्थ इस बॉल को किधर खींचेगा? अपनी ओर। ये बॉल को अपनी ओर खींचता है कितने से? mg से। और ये बॉल भी अर्थ को अपनी ओर खींचेगा कितने से? तो प्लीज कैपिटल mg मत बोलना, स्मॉल mg से खींचेगा। मैंने क्या कहा था, जितने मैग्नीट्यूड होता है उतने से ही खींचता है। अगर ये स्मॉल mg से खींच सकता है तो ये स्मॉल mg से ही खींचेगा, इससे ज्यादा से नहीं खींच सकता, ठीक है। ये हमारे पास एक्शन रिएक्शन है, दिस इज सेट टू बी आवर एक्शन रिएक्शन। क्लियर बच्चों? ये रहा हमारे पास एक्शन रिएक्शन पे है, दोनों अलग अलग बॉडीज पे है, दोनों सेम नेचर के हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। बोलो बात समझ में आई आपको? देखो ऐसा कुछ होता है, ये अर्थ इस बॉडी को अपनी ओर खींच रहा है और ये बॉडी इस अर्थ को अपनी ओर खींच रहा है। बात समझ में आई है ना? तो ये बॉडी इस बॉडी पर कहां फोर्स लगा रही है? अपनी ओर। तो इस बॉडी पे फोर्स कहां लग रहा है? नीचे की ओर, इस बॉडी की वजह से। ध्यान रखना, इस बॉडी पे फोर्स इस बॉडी की वजह से नीचे की ओर लग रहा है। बच्चों ये काम की चीज है, अभी थोड़ी देर में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे लेना है, है ना। सेकंड देखो, हमारे पास में आता है टेंशन। बच्चों टेंशन के लिए बात सुनना, टेंशन हम लोग बेसिकली यहां पे स्ट्रिंग ले रहे हैं और स्ट्रिंग भी हमारे पास किस तरीके का होगा? मासलेस और इनएक्सटेंसिबल। मासलेस और कैसा होगा? इनएक्सटेंसिबल। मासलेस का मतलब उसमें मास नहीं है और इनएक्सटेंसिबल का मतलब हो गया खींचेगी नहीं, ठीक है। अच्छा स्ट्रिंग बच्चों हमेशा आप सोचो, स्ट्रिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं? खींच के बॉडी को ला सकते हैं, हम स्ट्रिंग से धक्का नहीं दे सकते। यानी कि हमारा जो टेंशन होगा वो हमेशा किस नेचर का होगा? पुलिंग नेचर का होगा बच्चों, ठीक है। मैं स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, स्ट्रिंग ही ले रहा हूँ, कोई पतला वायर का रॉड टाइप ले लूँ जो मासलेस है, उससे मैं धक्का भी दे सकता हूँ खींच भी सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अभी बात स्ट्रिंग की कर रहा हूँ। क्लियर? नाउ सुनना, एग्जांपल देखो जरा। जैसे मान लो एक लड़का है यहाँ पे और एक लड़का यहाँ पे, ये दोनों टग वॉर खेल रहे हैं बच्चों, ठीक है। क्या खेल रहे हैं? टग वॉर। टग वॉर का मतलब होता है रस्सी खींच, दोनों तरफ से रस्सी खींच रहे हैं। अब देखना ध्यान से, अगर ये लड़का इधर की ओर 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है बच्चों, और ये लड़का भी इधर की ओर 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो मैं आपसे पूछता हूँ इस रस्सी में टेंशन क्या आएगा? आपके पास ऑप्शन है 0, दूसरा 200, तीसरा 100 न्यूटन। ये सबका मैंने आपको ऑप्शन दिया है, तो मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं 0। तो बच्चों समझो, अगर रस्सी में टेंशन 0 है और लड़का 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो इस बॉल लड़के पे 100 न्यूटन का फोर्स उस तरफ लग रहा है, इसका मतलब ये लड़का पीछे की ओर भाग रहा है। अरे रस्सी पकड़ खेल रहा है, रस्सी खींच खेल रहा है, या फिर पीछे की ओर भागना खेल रहा है? बात समझ में आई? तो रस्सी में टेंशन 0 नहीं होगा। कुछ लोग बोलते हैं टेंशन 200 होगा, जरा इसकी बात समझो। रस्सी में टेंशन 200 है और लड़का पीछे 100 लगा रहा है, नेट फोर्स इधर की ओर हो गया कितने न्यूटन से? 100 न्यूटन से। तो ऐसा लग रहा है लड़का है ना रस्सी खींच नहीं खेल रहा है, रस्सी पकड़ाओ खेल रहा है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये भी आपका गलत हो गया, रस्सी में 100 न्यूटन का है फोर्स, यानी कि यहाँ पे जो टेंशन आने वाला है दैट इज योर 100 न्यूटन। तो एक्शन रिएक्शन ऐसा नहीं है कि इधर से 100 हुआ, इधर से 100 हुआ, दोनों 0 हो गया या दोनों 200 हो गए, गलत। बच्चों समझो,
मैं रस्सी को जितने से खींचता हूं ना, रस्सी भी मेरे को उतने से ही खींचती है। दिस इज सेट टू बी आवर एक्शन रिएक्शन। मैंने रस्सी को अगर 100 न्यूटन से खींचा तो रस्सी भी मेरे को कितने से खींचेगी, 100 न्यूटन से। तो मैंने अगर रस्सी को 100 न्यूटन से खींचा, रस्सी मेरे को 100 न्यूटन से खींच लिया, दिस इज एक्शन रिएक्शन। यहां है एक्शन रिएक्शन, यहां नहीं है कि इसने 100 से खींचा उसने 100 से खींचा, गलत। एक्शन रिएक्शन इस जगह पे, और देखो दोनों अलग अलग बॉडीज पर है, लड़का है इधर, इधर रस्सी है। बात समझ में आई? अगर आपको इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हुई तो देखो ऐसा का ऐसा एक और एग्जांपल लेता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। दिखाने का तरीका है बस, और कुछ भी नहीं है। बच्चों दो ब्लॉक लगा रखे हैं मैंने स्ट्रिंग पर, है ना, और ये दोनों ब्लॉक मान लो 10-10 केजी के हैं। अगर 10-10 केजी के हैं तो ये दोनों रेस्ट पर होंगे। इधर बताओ, मैं पूछ रहा हूँ इस रस्सी में टेंशन कितना होगा, ठीक है, तो इस इधर की ओर नेट फोर्स कितना लग रहा है, 100 न्यूटन। इधर भी नेट फोर्स कितना लगा हुआ है, 100 न्यूटन। और ये रेस्ट पर है तो ऊपर टेंशन टी लग रहा है, क्योंकि ये रेस्ट पर है बच्चों, तो ये टेंशन किसके बराबर हो गया, 100 न्यूटन के। अरे तो मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, बस डायग्राम अलग दिखा रखा है। बात समझ में आई आप लोगों को? तो जितने से रस्सी खींचेगा उतने से रस्सी उस ब्लॉक को खींचने वाला है। जितने से हम रस्सी को खींचेंगे रस्सी भी उतने से हम लोगों को खींचेगी। क्लियर है बात? ठीक है। और टेंशन हमेशा पॉइंट से दूर दिखाया जाता है। जैसे इस पॉइंट से बात करें तो इधर की ओर टेंशन, इस पॉइंट से बात करें तो इधर की ओर टेंशन। क्लियर है बात? नोट करो जरा। जैसे इस पॉइंट से बात करें तो इधर की ओर टेंशन, इस पॉइंट से बात करें तो इधर की ओर टेंशन, इस पॉइंट से बात करें तो इधर की ओर टेंशन, इस पॉइंट से बात करें तो इधर की ओर, इस पॉइंट से इधर की ओर बात करें तो इधर टेंशन, इस पॉइंट से इधर की ओर बात करें तो इधर टेंशन। क्योंकि रस्सी वहां पे मासलेस थी तो पूरी रस्सी में टेंशन 100 न्यूटन आएगा। क्लियर? नोट करो इसको। नाउ दो फोर्सेस देखे बच्चों हमने, एक तो देखा हमने ग्रेविटेशनल और दूसरा देखा हमने टेंशन। तीसरे फोर्स की बात करता हूं, दैट इज योर नॉर्मल रिएक्शन। बच्चों नॉर्मल रिएक्शन लगाते ही मेरा सबसे पहला सवाल ये होता है बच्चों से कि हम जमीन पे कौन सा फोर्स एग्जर्ट करते हैं। तो लोगों का आंसर आता है कि हम लोग जमीन पे एमजी एग्जर्ट करते हैं, यानी वेट एग्जर्ट करते हैं। ठीक है, दिस इज टोटली रॉन्ग। अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था कि हम तो अर्थ को एमजी से खींचते हैं, हम कैसे एमजी लगा सकते हैं। एक्चुअली हमने ये जो मैं जो फोर्स लगा रखा है ना इस समय, ये नॉर्मल रिएक्शन है। यानी कि मैंने जैसे इसको धक्का दिया तो दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। अरे भाई नॉर्मल रिएक्शन तो ऐसे भी लग सकता है ना, मैंने धक्का दिया उधर तो बोर्ड ने मेरे को वापस धक्का दिया इधर। व्हाट इज दिस, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। यानी हम जमीन पे एमजी नहीं लगाते हैं, हम जमीन पे नॉर्मल लगाते हैं। क्लियर है बात? तो समझो कैसे नॉर्मल रिएक्शन हमेशा देखो धक्का देने पे आता है, यानी पुशिंग नेचर का होता है। पुश करो खुश रहो, समझ में आया? तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा पुशिंग नेचर का होता है, और जितने फोर्स होते हैं, जितने मतलब जितने ज्यादा सरफेस के साथ में पुश होगा उतने नॉर्मल होंगे। जैसे उस केस में क्या है, जितनी रस्सियां होगी उतने टेंशन होंगे, वैसे ही जितने आप फोर्स लगाओगे उतने, जितना पुश करोगे आप उतने ही आपके नॉर्मल रिएक्शन होंगे। क्लियर? नाउ बात करते हैं बच्चों नॉर्मल रिएक्शन में। देखो सबसे बढ़िया एग्जांपल, जैसे ये एक ब्लॉक है जो जमीन पे रखा हुआ है, इसका मास आपको दिया हुआ है स्मॉल m, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूं कि नॉर्मल रिएक्शन क्या है। तो देखो ये ब्लॉक इस जमीन को नीचे धक्का दे रहा है और जमीन इस ब्लॉक को ऊपर धक्का दे रही है। तो मैं इसका एफबीडी बनाता हूं, ध्यान से देखो, ये रहा ब्लॉक, ये रहा जमीन, ये ब्लॉक इस जमीन को नीचे धक्का दे रही है, तो ये जमीन इस ब्लॉक को ऊपर की ओर धक्का दे रही है। तो इस पे नॉर्मल कहां आ रहा है, ऊपर। इस पे नॉर्मल कहां आ रहा है, नीचे। तो हम लोग जमीन पे क्या करते हैं, हम लोग जमीन पे नॉर्मल एग्जर्ट करते हैं, हम एमजी नहीं लगाते हैं। एमजी तो उल्टा हम अर्थ को अपनी ओर खींच रहे होते हैं। क्लियर है बात? क्योंकि अर्थ भी तो हमको खींच रहा है, हम पे जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की ओर एमजी लग रहा है। हम कौन सा लगा रहे हैं, मेरा क्वेश्चन यही था, हम जमीन पे कौन सा फोर्स लगा रहे हैं। तो हम जमीन पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहे हैं, एमजी नहीं लगा रहे हैं। बात समझ में आई? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने क्या कहा, जितने सरफेस के साथ में टच होगा उतने नॉर्मल रिएक्शन आने वाले हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा बच्चों, है ना। बात सीखो, समझने की कोशिश करो, समझोगे तभी मजा आएगा। फोर्थ देखो, हमारे पास में होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमेशा ओपोजिंग फोर्स होता है। क्या होता है, ओपोजिंग फोर्स, यानी कि ओपोज करने वाला ओपोजिंग फोर्स होता है। जरा देखो इस किस तरीके से हम लोग फ्रिक्शन लगाते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। जैसे एक ब्लॉक है, रफ सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। अब ये सरफेस जो है,
अच्छा यहाँ पे नोट किया, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये एक्शन रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ बात करते हैं, जैसे देखो ये ब्लॉक जब जमीन पे रखा हुआ है तो इस समय फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपोजिंग मतलब फोर्स लगाएंगे तो अपोज किसको करेगा, क्लियर। अब मैंने क्या किया, इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया एफ, तो इस ब्लॉक पे मैं थोड़ा सा जमीन को बच्चों नीचे ले रहा हूँ, या एक काम करता हूँ डायग्राम दोबारा बना लेता हूँ। ये ब्लॉक है जिसका मास है m। नाउ देखना ध्यान से, ये रहा ब्लॉक मेरा m, ये रही जमीन, मैंने फोर्स लगा रखा था इधर, तो जिस पर आपने पहले फोर्स लगाया पहले फ्रिक्शन हमेशा उसके मतलब रेस्पेक्ट में डिफाइन करें। जैसे इस ब्लॉक को मैंने खींचा उधर, तो इस पर फ्रिक्शन कहाँ आएगा, पीछे, तो जमीन पे किधर आएगा, आगे। दिस इज एक्शन रिएक्शन, समझ में आया, ये एक्शन रिएक्शन है। देखो दोनों अलग अलग बॉडीज पे है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में भी और सेम नेचर के हैं, क्लियर है बात। बच्चों इसी में एक एग्जांपल और समझाता हूं मैं, जैसे मान लो एक ब्लॉक है वो दूसरे ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है और ये ब्लॉक जमीन पर है, ठीक है बच्चों। अब मैंने क्या किया, इस वाले ब्लॉक को खींचा, इसका मास m1 मान लेता हूं, इसका मास m2 मान लेता हूं, ये भी सरफेस, ये भी सरफेस, दोनों सरफेस हमारे पास में रफ है, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखना, पहले मैंने क्या कहा, फ्रिक्शन हमेशा किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे, जिस पर हम लोग पहले फोर्स लगाएंगे। जैसे मैंने फोर्स लगाया इस पर, तो पहले आप m1 का FBD बनाओ, तो इस पे फोर्स लगाया F इधर, तो इस पे फ्रिक्शन कहाँ आएगा, पीछे, तो नीचे वाले ब्लॉक पे ऊपर वाली साइड में फ्रिक्शन आएगा इधर, ठीक है। और जब ये ब्लॉक पे फ्रिक्शन इधर आ रहा है और ये ब्लॉक को उधर मूव करना चाहता है, तो जमीन वाले सरफेस पे फ्रिक्शन कहाँ आएगा, पीछे। लेकिन बच्चों ये फ्रिक्शन उस फ्रिक्शन से अलग आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है, म्यू एन, और एन दोनों जगह पे अलग अलग है। जैसे इस सरफेस के लिए तो एन ये हो गया और इस सरफेस के लिए एन ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्शन अलग आएगा। अब ग्राउंड की बात करें तो ये वाला फ्रिक्शन ग्राउंड पे आएगा एफ डैश इधर की ओर। बोलो बच्चों ये बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। उसका मास हो गया एम टू। नाउ इसी क्वेश्चन को देखो, मैं एक और तरीके से ले लेता हूँ सीखने के लिए। सीखो, ये चीजें सीखने की है, सीखोगे तो हम लोग अप्लाई कर पाएंगे, है ना। दो ब्लॉक है, इस पर मैंने फोर्स लगाया इस तरफ, मास इसका m1 इधर है, m2 इधर है, दे रखा है मैंने, ठीक है। दोनों सरफेस रफ है, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, फ्रिक्शन हमेशा जिस ब्लॉक को हमने पहले खींचा है फोर्स लगा के पहले, उसके रेस्पेक्ट में डिसाइड करेंगे, यानी m2 के रेस्पेक्ट में डिसाइड करेंगे। तो m2 मास नीचे है, फोर्स आपने इधर लगाया, अब ये ब्लॉक उधर जाना चाहता है, तो इस सरफेस पे भी फ्रिक्शन पीछे और इस सरफेस पे भी फ्रिक्शन पीछे, ऊपर वाले ब्लॉक के लिए फिर फ्रिक्शन कहाँ आएगा, आगे, और नीचे जमीन पे भी फ्रिक्शन कहाँ आएगा बच्चों, आगे, ठीक है, समझ में आया, थैंक यू।